तो दोस्तों आज मैं आया हूँ टॉप गियर पे, जो कि है बिजारे का ये प्रशांत यार में ये शॉप है। तो यहाँ पे आज जो है मैं विटारा ब्रेजा की ऊपर बना रहा हूँ, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगाई गई है और जो कंपोनेंट वगैरह लगाए गए हैं उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि अभी मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा कि मतलब कैसी साउंड क्वालिटी है और क्या क्या काम हुआ है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हुआ है, तो ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अभी जो है हम विटारा ब्रेजा की इसमें कुछ काम कराया, कुछ मॉडिफिकेशन कराई है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले जब आप फ्रंट से नोटिस करेंगे तो फ्रंट में जो चेंज आपको नज़र आएगा वो ये है, इसमें जो है DRL चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा ये अलग से DRL लगाए गए हैं, जो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जब हम इंडिकेटर चलाते हैं तो यहाँ इसके साथ साथ ये भी इंडिकेटर जो कंपनी फिटेड है वो भी, और ये भी DRL चलता है। तो ये भैया अभी आपको चला के दिखाएंगे। तो हाँ, कुछ इस तरीके से ये DRL जो है और इंडिकेटर के साथ चलेंगे। और वैसे जो है वाइट लाइट आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाइट लाइट नॉर्मल जब इंडिकेटर आप नहीं देंगे कहीं पे मुड़ने के लिए तो ये वैसे वाइट लाइट चलेंगे। अभी ये लेफ्ट का इंडिकेटर भैया ने ऑन कर दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो कार है ये है टॉप मॉडल डीजल की ZDI+ मॉडल है, और इसके साथ साथ इसके पीछे की साइड पर जो चेंज हुआ है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी जो है आप पहले देख लो, इसके जो व्हील्स आते हैं वो 16 इंच के कंपनी से आते हैं और जो है एलॉयज़ के साथ आते हैं, तो ये डायमंड कट एलॉय नहीं है। और इसके बाद पीछे का जो काम कराया गया है वो ये कराया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे कंपनी फिटेड जो रिफ्लेक्टर आते हैं उसमें कोई लाइट नहीं जलती, तो इसमें जो है ये लाइट जलने वाली लगा दी है दोनों साइड पर। तो कुछ इस तरीके का यहाँ लगा दिया है अभी ने। और यहाँ पर आप जैसे चेकआउट कर सकते हो कि ये जो है ये भी चलता है, और जब आप ब्रेक दबाते तो ये चल जाता है और साथ में ये रिफ्लेक्टर के भी यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर देखते हैं कि क्या क्या काम हुआ है। अंदर काफ़ी अच्छा एक स्टीरियो लगा हुआ है, मतलब एक स्पीकर्स का बहुत अच्छा काम हुआ है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों अभी ये जो है ब्रेजा है, और ब्रेजा वाइट कलर की है, आप इसमें देख सकते हो इसमें डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग है सीटी की, और डैम्पिंग आप जैसे कि देख सकते हो सीटी की डैम्पिंग है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डैम्पिंग होती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो अंदर आप कोई भी साउंड सिस्टम लगवाते हो और वो साउंड सिस्टम की जो नॉइस है वो आप मतलब साउंड जो है आपको अच्छे से सुनाई देता है, और बाहर का जो कोई भी दूसरे व्हीकल की नॉइस वगैरह या फिर रोड पे और भी कोई चलते हुए पर्सन की नॉइस जो है वो कम सुनाई देती है, कम आती है अंदर की तरफ, और अंदर की जो आपके स्पीकर्स लगे हैं उसकी नॉइस उसका साउंड और अच्छे से उभर के आता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसमें काम हुआ है, इसमें जो ये हुआ है, ये यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग है, और तो फोकल के जो है इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं जो कि दोनों आगे और पीछे के, मतलब ऑल फोर डोर्स में लगे हैं, ट्विटर और जो है उसके स्पीकर्स भी लगे हैं। और यहाँ पे जो है 7D की ये मैटिंग की गई है इसमें, जैसा कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको को ड्राइवर सीट पर भी दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे इसमें मैटिंग की गई है। बाकी जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये कंपनी फिटेड आता है, ये टॉप मॉडल है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे सीट कवर है वो भी काफ़ी स्टाइलिश पहले से ही कंपनी फिटेड आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको पीछे की साइड पे दिखा देता हूँ कि पीछे की साइड पर कौन से लगे हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्विटर की प्लेसिंग की गई है। और स्पीकर के लिए जो है यहाँ पर पहले से ही स्पेस बना होता है, यहाँ पर मतलब एक अलग से स्पीकर की एक डेडिकेटेड जगह होती है, तो यहाँ पर पीछे उन्होंने स्पीकर की प्लेसिंग कर दी है। और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि जो मैटिंग की गई है वो मैटिंग यहाँ पे भी पीछे की तरफ 70 की गई है, पूरा ढंग से चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें कराई गई है जो आप यहाँ से बाहर से चेकआउट कर सकते हो, कि वो ये है इसमें जो है ऑल फोर डोर्स में डोर वाइजर लगाए गए हैं, हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और उसके साथ साथ ऊपर इसमें क्रोम गार्निश भी लगी हुई है, और साथ में नीचे की तरफ जो यहाँ पर विंडो के नीचे की तरफ है यहाँ पे भी पूरी क्रोम गार्निश लगी हुई है ऑल फोर डोर्स में। तो मैं आपको पूरा ढंग से दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की यहाँ पे क्रोम गार्निश मिल जाएगी, और जो है डोर वाइज़र जो है उस पर भी क्रोम गार्निश का काम हो रखा है। तो कुछ इतना काम इसमें हुआ है। साथ में जो आप पीछे की तरफ देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर है, कुछ ऐसे से लुक देते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और आगे की तरफ जो DRL है वो भी काफ़ी अच्छे मैट्रिक्स वाले टाइप के बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का काम इस कार में हुआ है। तो दोस्तों अब जो है आप इसकी साउंड क्वालिटी चेक करो, जो भी सारे 4 स्पीकर्स लगे हैं। तो अभी NCS का गाना भैया ने प्ले कर दिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो भैया के फोन में ये NCS का गाना चल रहा है, और बहुत
बढ़िया एक अच्छी साउंड क्वालिटी मेरे को लग रही है, मतलब एक बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी इसकी आ रही है। तो स्पीकर जो है बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं और वो ऐसा दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है भैया ने। स्पीकर लगाए हैं और साथ में डैम्पिंग भी की गई है, साथ में जो है बाहर जो है इसमें पीछे की तरफ जो है रिफ्लेक्टर लगे हैं, आगे की तरफ DRL लगाए गए हैं और काफ़ी सारा काम किया है, वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो दोस्तों ये सब मैंने कुछ आपको डिटेल में बताया कि इस कार में क्या क्या लगाया गया। पूरा विटारा ब्रेजा का टॉप मॉडल था जो कि ZDI प्लस, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कराई, जैसे कि उन्होंने DRL कराया, डैम्पिंग करवाई फ्रंट में, पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर जो है लाइट वाले लगवाए, और जो है कॉम्पोनेंट चेंज कराए, और इसके साथ साथ इन्होंने डोर वाइज़र लगवाए और साथ में क्रोम गार्निश भी लगवाई। तो कुछ ये सब काम कराया, तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से 30,000 के बीच में ये सारा काम हुआ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और गाड़ी में पहले से ही टॉप मॉडल था, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स पहले से ही आते थे, सीट कवर जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, ऑलरेडी इसमें टच स्क्रीन है और वो भी रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बैक कैमरा लगा हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस कार में लगी हुई थी। इसके अलावा जो चीज़ें लगाई तो इस ये कार और ज़्यादा बढ़िया हो गई मॉडिफिकेशन के बाद, और ज़्यादा अच्छे फीचर्स इसमें ऐड ऑन हो गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।